हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ रिवीजन चैनल। एंड इन दिस वीडियो हम करेंगे फैक्टराइजेशन। यूनिट नंबर 14 इंसर्ट क्लास 8 मैथ सॉल्यूशन है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये हम करेंगे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन और इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं। हम टोटल 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात माइंड में रखनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर तो आपको ये दोनों फार्मूलाज आते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसको एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फार्मूला का टू, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है साइन तो माइनस टू फार्मूला का, ए फर्स्ट वैल्यू, बी ये सेकंड वैल्यू, माइनस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे प्लस आएगा बी स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। ये फार्मूलाज आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस हमारे पास है 16। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू, अगर इसको मैं तोड़ूं, फोर इंटू ए, और ये जो वैल्यू है 16 प्लस फोर स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो देखिए ये टू फार्मूला का, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी वाले फार्मूले से रेफर करते हुए, ए प्लस फोर इसका स्क्वायर। जब आप ओपन करेंगे तब सेम ये वैल्यू आएगी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पी स्क्वायर, सारे इसी तरह के आसान है, माइनस 10p प्लस 25, ये है मेरे पास। देखें पी स्क्वायर माइनस टू, आप फौरन लिख लेंगे यहाँ इस वैल्यू के साथ। अब टू निकालेंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे देखें जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, ये देखें, ठीक है। और ये पी, ये वाला प्लस इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनता है 5 25 का। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पी माइनस 5 होल स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। फाइन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, 25 एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9। फाइन, ये देखिए एम स्क्वायर के साथ है, ये 5 एम इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अब इसको नहीं अभी मैं लिख रहा, आपकी समझ के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, 3 परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब आप टू फार्मूला का लिखें, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपके पास 5m है, सेकंड वैल्यू आपके पास है 3, तो ज़रा मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 10 3 30 और 7m 30m, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 5m ये वाली वैल्यू प्लस 3 होल स्क्वायर इज़ द आंसर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। गॉट दी आइडिया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 49 वाई स्क्वायर माइनस 8x एट वाई जी प्लस 36 जी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू है गाइस, अब क्या करेंगे, ये देखिए 49 को लिख सकते हैं 7y स्क्वायर, जब ओपन करेंगे तो यही आएगा, माइनस इसको मैं नहीं लिख रहा अभी, प्लस का साइन लिखूं, इसको लिख सकते हैं 6 36 का 6 और यहाँ पे जी स्क्वायर, और जी 36 जी लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे टू फार्मूला का लगा दें आप, पहली वैल्यू आपके पास क्या है, ये 84 है, पहली वैल्यू आपके पास है 7y
एंड सेकेंड वैल्यू आपके पास है 6z। अब हम चेक कर लेते हैं, अभी 2 7s are 14, 14 6s are 84, तो ये 84 बन गया। और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7y-6z2। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, गॉट द आइडिया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 4x² - 8x + 4। ये क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 2x² ये वाली वैल्यू को, उसके बाद माइनस का साइन, इसको मैं अभी अभी नहीं लिख रहा है, इसको प्लस का साइन, इस 4 को लिख सकता हूँ 2² ये लिख दिया। अब यहाँ भी आप 2 फार्मूला का लगाएं, जो भी मैंने बताया था आपको, पहली वैल्यू 2x एंड सेकंड वैल्यू ये वाली 2, परफेक्ट स्क्वायर वाली, 2 2s are 4, 4 2s are 8, -8x बन गया। तो अब हमने अपना लिखना है आंसर 2x - 2 होल स्क्वायर। अब ये माइनस कहाँ से आता है, ये हमें फार्मूला का ये वाला साइन बताता है। गॉट द आइडिया स्टूडेंट, इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 121 b² - 88 bc + 16 c² 121 होता है 11 का स्क्वायर, और साथ हमारे पास है b, तो हम लिख सकते हैं 11 b होल स्क्वायर। माइनस इस वैल्यू वैल्यू को मैं नहीं लिखता अभी, इस 16 को लिख सकता हूँ 4c होल स्क्वायर। अब आप 2 फार्मूला का लिखें, यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास है 11, सेकंड वैल्यू मेरे पास है 4, और यहाँ पे थी b और यहाँ पे है c, ठीक है, ये 11b ये लिख दिया, 4c ये लिख दिया। अब आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 8 8 11s are 88, तो 88 बी सी बन गया, बी और सी भी साथ है, तो हम लिख सकते हैं 11b, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 4c होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है, इससे वो करते हैं, मेरे पास है L + m होल स्क्वायर - 4 lm। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको इसका स्क्वायर ओपन करना होगा, L² + 2 lm + m² ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया, -4 lm ये लिख दिया मैंने। अब आप ऐसे करें, L² लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 4 lm है, ये 2 lm है, और ये प्लस का 2 lm है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे -2 lm + ये वाला m² ये लिख दिया मैंने। अब इसको देख लें आप, L और ये -2 lm है, तो यहाँ पे लिख देंगे L - m होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है इसका, a² + 2a² b² + b⁴। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू a² है, दूसरी सेकंड वैल्यू b², तो ये देखें a, इसको हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर मीन a² 2² +2a² b² + b² स्क्वायर। तो ये देखें, आप एक सेकंड के लिए इसको इग्नोर कर दें, तो इनको, तो आपको वही मिल गया ना, a + b होल स्क्वायर। तो ये देखें a + b² होल स्क्वायर। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें,
और इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मैथ विवियन चैनल को, मजीद इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर